गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से कहने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने काफी सारा आयरन इकट्ठा कर लिया था, और गाइस मैंने उस आयरन से क्या किया आप लोग देखोगे, भाई शौक रह जाने वाले हो। भाई मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, दो सेकंड का वेट करो। तो सबसे पहले वेट भाई, मैं आपको दिखाई देता हूँ। 1 2 3 लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर हम हमने बना लिया है फुल्ली डायमंड कह रहा हूँ, आयरन आर्मर। भाई देखो मैं कितना ज्यादा कूल लग रहा हूँ, एंड मैंने एक आयरन की स्वॉर्ड भी बनाई है। तुम लोग भाई पहले लुक्स देखो यार, पिछले सीरीज में मैंने बनाया था और इस वाली के अंदर ही बना लिया है। और ये देखो भाई मेरी आयरन की स्वॉर्ड भी, भाई मस्त कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो यार इसी बात पे एक लाइक का बटन और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, एकदम फ्री है भाई, तुम लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हो। तो जाओ यार जल्दी से और सब्सक्राइब का बटन को दबा दो। बाकी आज वेट भाई, तुझे अंदर आने का लाइसेंस कितने दिया, निकल यहाँ से, हट हट। हाँ तो मैं कह रहा था आप लोग अगर मेरे फर्नेस के अंदर देखो, यहाँ पर मेरे पास है 6 आयरन और एक मेरी चेस्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो यार अभी मेरे पास है टोटल 7 आयरन और। एंड गाइस मैं सबसे पहले एक वाटर बकेट बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे एक अनलिमिटेड कोबलस्टोन फार्म, जिससे हम लोग अनलिमिटेड कोबलस्टोन को माइन कर सकते हैं। और मैं बकेट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई लावा को हम ऐसे वैसे तो उठा के लाएंगे नहीं, अगर हम लोग लावा और वाटर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो तभी अनलिमिटेड कोबलस्टोन बनता है। तो गाइस अगर मैं लावा लाऊंगा तो उसको हाथ में तो लाऊंगा नहीं, मैं उसको बकेट में लाऊंगा, इसीलिए मैंने बकेट बनाई है ताकि मैं लावा को स्टोर करके ला सकूं। तो भी मैं इसी केव के अंदर जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लावा देखी थी। तो ये देखो ये कितनी ज्यादा डीप है, तो चलते हैं यार अब इसके नीचे कर भी कर सकते हैं, तो यहाँ से जंप मारते हैं, डैमेज लेते लेते जाना पड़ता है। और भाई लावा लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, पोपट हो जाता है। तो बाकी मैं आपको नीचे मिलता हूँ अभी। तो भाई यार पोपट, ओके गाइस मैं यहाँ पे नीचे भी आ चुका हूँ। एंड गाइस मैं जो है लास्ट टाइम यहाँ पर एक टॉर्च लगी हुई है, मैं यहाँ तक आया था लावा ढूंढते हुए, फिर मुझे सामने ही लावा दिख गई थी इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। तो सामने ही लावा है, जल्दी से उसको भाई मैं गिरता क्यों यार ऐसे सीन में, एक तो वीडियो बन रही है और मैं गिर जाता हूँ, छोड़ो भाई। अभी चलते हैं यार यहाँ पे, और यहाँ पे भाई लावा एकदम संभल के लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये टच हुई भाई खत्म है हम लोग। सो ऐसे लेट्स गो भाई, हमने लावा ले लिया। एंड भाई मैं भाई इसको हाथ में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर जरा सा टच और हम लोग बिल्कुल खत्म। तो हाँ अब मैं कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, मैं सीधे जाने वाला हूँ अपने घर पे, क्योंकि यार यहाँ पे मॉब्स कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मॉब्स इसलिए दिख रहे क्योंकि भाई यहाँ पे उजाला है, इसलिए आप लोगों को मॉब्स दिख रहे हैं। इधर लावा भी है, मैंने टॉर्च भी लगाई है तो उसके वजह से उजाला है, इसलिए आप लोगों को मॉब्स नहीं दिख रहे हैं। और हाँ यार मेरे ख्याल में एक और चीज आ रही है कि यार मैं क्यों ना इधर से एक टनल बनाऊं, क्योंकि यार हम लोगों को जो है ना इतना ज्यादा घूम के जाना पड़ता है ऊपर तक, कभी भाई गिरते हैं कभी मर जाते हैं, वैसे भगवान करे हम लोग ना ही मरे, आज तक तो मरे ही नहीं है, लेकिन फिर भी यार हम लोगों को एक केव बना लेना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी से ऊपर जा सके और नीचे आ सके। ऐसे कितनी बार हम लोग ब्लॉक लगाते लगाते ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। ओके गाइस सो मैंने ठीक ठाक केव बना दिया, आप लोग देख सकते हो भाई मैं कितनी ज्यादा ऊपर तक आ चुका हूँ। सॉरी मैंने अभी केव कही, मैं उसको टनल बोलना चाहता था। तो देखो यार मैंने कितनी ज्यादा बड़ी टनल बना दी और मेरी पिकेक्स टूट चुकी है, वरना मैं और भी ज्यादा ऊपर तक जाता। तो तुम आप लोग खुद ही देखो यार मैंने कितनी ज्यादा ऊपर तक माइन कर लिया है। तो अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जल्दी से ब्लॉक्स लगाते लगाते ही ऊपर जाना पड़ेगा, ब्लॉक्स की तो वैसे भी कोई भी कमी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ इधर से ही ऊपर चलता हूँ। यार मुझे माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स आज काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं, आप लोग एक बार सुनो ना यार कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग। अगर आप लोगों को भी सेटिस्फाइंग लगे तो लाइक कर देना। बाकी मैं काफी ज्यादा ब्लॉक्स लगाते लगाते ऊपर तक आ चुका हूँ, एक बार देख लेता हूँ मैं कितनी ज्यादा ऊपर तक आया हूँ। बट यार अभी तो मुझे और भी ज्यादा ऊपर तक जाना है, तो चलते हैं यार, ब्लॉक्स तो बिल्कुल भी कभी नहीं है, चलते हैं भाई ऊपर। भाई मेरे साथ भी जो हुआ है तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, भाई मैं ऊपर से भाई ब्लॉक्स लगा रहा था और मैं नीचे गिर गया। यार मुझे ना अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, भाई अब रात हो रही है मैं सो रहा हूँ, सुबह सुबह मैं जाऊंगा और भाई
वहां से अपना सारा सामान लाऊंगा, जो ही मेरे बीच में आएगा मार डालूंगा। तो मैं सामान भी कुछ नहीं लेके जाऊंगा, अकेले जाऊंगा भाई, देखता हूँ भाई कौन आता है। हेलो, वैसे अब तक तो कोई भी नहीं आया यार। कुछ नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग सीरियस क्यों लेते हो? अभी मैं ना इधर से जंप लगाने वाला हूँ, तुम लोग देखो यार। ए, लेट्स गो भाई, इसे बोलते हैं प्रो वाली जंप। आप लोगों को ये जंप कैसी लगी कमेंट्स में बताना। वैसे यार मैं अभी अपना आर्मर लेता हूँ भाई, ऊपर चले यार, क्या कर रहे है? चलो भाई मैं ऊपर आ गया एंड अभी अपना आर्मर देखता हूँ, सब कुछ सेफ तो है ना। लेट्स गो भाई, मेरा सब कुछ सेफ है भाई, मेरे आर्मर को अच्छा हो यार, कुछ भी नहीं हो। मैं वापस अपना आर्मर पहन लेता हूँ भाई, इतनी मुश्किलों से आयरन ढूंढ ढूंढ के लाया था। और यार मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मिलता हूँ ऊपर। ओके गाइस, मैं यहाँ पे ऊपर भी आ चुका हूँ। भाई ये कौन है, हट जा भाई तू। आज भाई जिस काम के ऊपर वीडियो बनाई थी वो मैं आज कर नहीं पाया हूँ। मुझे भाई आज एक स्टोन फार्म बनाना था एंड मैं वो भाई कर ही नहीं पाया। एंड हाँ, मैंने डायमंड्स खोजने की तलाश। वाह वाह भाई, मेरी हिंदी को क्या हो गया यार। इन सब बातों को भाई छोड़ता हूँ, मैं अपने भाई काम पे ध्यान देता हूँ। मैं अपना स्टोन फार्म इधर ही बनाने वाला हूँ। सबसे पहले एक ब्लॉक तोड़ते हैं एंड अब दूसरी साइड का एक और ब्लॉक एंड इसके नीचे वाला भी एक और ब्लॉक एंड इसके साइड वाला भी एक और ब्लॉक एंड अभी हमारा ढांचा बन के तैयार हो चुका है। और अब मुझे यहाँ पर ए डर्ट प्लेस करनी है क्योंकि मैं अपने इन्वेंटरी में कबाड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। और इस वाले ब्लॉक को मैं उठाता हूँ एंड इस वाले कबाड़ को भी मैं कहीं भी रख के आ जाता हूँ। निकल बे, हट। और अभी मुझे यहाँ पे डालनी है लावा भाई, मरना नहीं है यार मुझे इससे। और अभी मुझे लेना है पानी और डालना है इसके अंदर एंड अगर आई गेस मैं इसको तोड़ूंगा तो कोबलस्टोन जनरेट होगा। लेट्स गो डूड, भाई ये काम कर रहा है। बट भाई मेरा वुडन पिकेक्स लाता हूँ भाई जल्दी से, मेरे पास आई थिंक स्टोन की पिकेक्स होगी। नहीं है यार, कोई बात नहीं भाई, मैं वुडन ही ले लेता हूँ। एंड भाई मुझे ना टेस्ट करना है कि यार ये काम कर रहा है या नहीं भाई। बस यार ये अनलिमिटेड स्टोन प्रोड्यूस करे, मजा आ जाएगा भाई। ये एक मिला, दूसरा भी हो। ओपी भाई ओपी, मैं काम करता हूँ, इसको तोड़ता हूँ। अब भाई इधर से ना माइन करके देखते हैं भाई कैसा लगने वाला है। और सच्ची हो भाई, वहां से मजे आ गए भाई। अब मुझे उतनी बड़ी केव के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आराम से इधर ही माइन करूंगा। बाकी यार आप लोग लाइक कर दो भाई इसी के ऊपर, भाई बहुत कमाल की चीज बना दी मैंने। एंड अभी भाई मैं थोड़े बहुत स्टोन माइन करता हूँ उधर से। वेटे मिला क्यों नहीं भाई, इधर आवे, उधर कहाँ जा रहे। ठीक है, इसको भी तोड़ते हैं एंड लेट्स गो। और ये मुझे मिल गया एंड इसको भी तोड़ते हैं। ये मिला, अबे ये मिला क्यों नहीं मुझे, इस ये तो मिल जाना चाहिए। ओए ओए नहीं भाई, ओए ब्लॉक जनरेट क्यों हुआ, ओए पानी में चल भाई, बच गया भाई। क्या बचाऊं यार मैं भाई, मैं नहीं जाने वाला अब इसके पास यार, ये तो जान ले लेगा मेरी सच्ची में भाई। ये तो भाई अलग ही चीज है भाई, मैं नहीं जाने वाला इसके पास, हट बे। अच्छा हो भाई मैंने तुझे अपने घर से दूर बना लिया, वरना तुझे मुझे मार डालता, घर को भी जला देते। बाकी यार इन सब छोटे चीजों को तो छोड़ो यार, हमारे कोबलस्टोन फार्म ने तो हमें धोखा दे दिया। बट आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगे कमेंट में जाके जरूर से बताना। मैं छोड़कर नए पार्ट लाऊंगा बहुत ही जल्दी। अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।